पिछले कई वर्षों से भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना गोरखपुर मठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाती रही है। इसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें खुद पीठाधीश्वर शामिल होते हैं और शोभा यात्रा की अगुवाई करते हैं। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घंटाघर लौटकर समाप्त हो जाती है। इस शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंगलवार को गोरखपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही गोरख पीठाधीश्वर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में बतौर अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं इस होली में पांडेहाता स्थित होलिका दहन के पारंपरिक कार्यक्रम में गोरखपुर से निकलने वाली परंपरागत भगवान नरसिंह शोभा यात्रा की पूरी रीति रिवाज के साथ निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में हर वर्ष भगवान नरसिंह की पूजा आराधना कर रहे हैं। इस वर्ष भी गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बार भी होली के दिन अबीर गुलाल और रंगों की भी शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह लगभग 8:30 बजे घंटाघर से होगी। उस समय यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद गीत और प्रार्थना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर भगवान नरसिंह की आरती भी करेंगे। इसी शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण SPCT विनय कुमार सिंह ने किया। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन कैमरे से अगल बगल के क्षेत्रों की जाँच की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मनीष कुमार पटवा और SPCT विनय कुमार सिंह ने कहा, मनीष कुमार पटवा, होलिका दहन उत्सव समिति सदस्य। कार्यक्रम के लिए को तैयारी जोरों शोरों पर है, तैयारी पूरी हो चुकी है। कल सायंकाल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर पीठाधीश्वर मंत्री योगी आदित्यनाथ महाजी मुख्य अतिथि होंगे, आएंगे और नरसिंह भगवान का आरती करेंगे। उसके बाद शोभा यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। सन 1947 से चल रही है ये कार्यक्रम, बहुत ही पुरानी है होलिका दहन उत्सव समिति की, और मुख्य अतिथि रहे मंत्री योगी आदित्यनाथ। होली के दिन निकलने वाला परंपरागत जुलूस जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे,
इस जुलूस के मार्ग पे हम लोगों ने दो दिन पहले भारी पुलिस बल के साथ फुट मार्च किया था, एरिया डोमिनेशन किया था। आज इस जुलूस मार्ग के रास्ते में दाएं बाएं पड़ने वाली छतों की निगरानी हम ड्रोन कैमरे के माध्यम से करवा रहे हैं। अब फोटोग्राफी कराएंगे लगभग पूरे जुलूस के मार्ग की छतों की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी सुदृढ़ पुलिस प्रबंध किए गए हैं। रूफटॉप पे जो जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मकान हैं, लगभग 200 मकानों पे हाई राइज बिल्डिंग पे सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। जुलूस के आगे पीछे दाएं बाएं हम उसको बॉक्स के रूप में ले चलेंगे और जगह जगह जहां भी गलियां हैं, नाके हैं, वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं और पूरे जुलूस के रास्ते को हम लोगों ने कई जोन और सेक्टर में बांट के ड्यूटियाँ लगाई। हाँ, बाहर की फोर्स भी हमें मिली हुई है काफ़ी संख्या में हमारे पास। हाँ, सिविल पुलिस भी हमें मिले हुए हैं। हमारे पास दो कंपनी SSB भी है, एक कंपनी PSC है और रेंज और जोन से लगभग 700-800 पुलिसकर्मी, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही शामिल हैं, ये भी जुलूस के लिए मिले हुए हैं हमको।